अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। अज दे इस पैगाम दे विच सखी सर्व लख दत्त पीर जी दे जीवन दे विचों एक होर नवा वाकया आप जी दे नाल सांझा करांगा। कहिंदे ने कि सखी सर्व लख दत्त पीर जी दे जो नाना जी सी, उन्हां ने अपनी जो जमीन सी सखी सर्व लख दत्त पीर जी दे नाम ते उन्हां दे भरावां दे नाम लगवा दित्ती। ते उन्हां दे भरा जिहड़े सीगे उन्हां ने जदों जमीन का बंटवारा किया तो जी बंजर जमीन सी जी वर्तन योग नहीं सी वो सारी दी सारी जमीन लख दत्त पीर जी नूं दे दित्ती, पीर अहमद जी नूं दे दित्ती ते आप जी बधिया सी वो अपने को रख ली। फिर जदों सखी सर्व लख दत्त पीर जी ने उस बंजर जमीन के उपर जाके अपने मुबारक कदम रखे, कहिंदे कि वह बंजर जमीन जी है उस सारी जमीन के फसल हो गई, वह आबाद हो गई, कई समय की बंजर सी आबाद हो गई। जो लख दत्त पीर जी ने उत्थे एक फसल उगाई तो वह फसल का झाड़ बहुत वधिया हो गया। जो फिर फसल वड्डी हुई तो कहिंदे कि जिहड़ा बंदा उस फसल के उपर पहरा देण जांदा सी उसनू एक शेर आके नुकसान पहुँचाउंदा सी, शेर आके मार दिंदा सी, खा लैंदा सी। हुण बाकी भरावां ने कहा कि आपां जावांगे तां आपां नूं शेर नुकसान पहुँचावेगा, ये अहमद नूं भेज दिंदे आ, लख दत्त पीर जी नूं सखी सरबर पीर जी नूं भेज दिंदे आ, ये आपे जाके पहरा देणगे। ते जदों सरकार जी उत्थे गए उत्थे जाके अपनी बंदगी दे विच लीन हो गए, जदों बंदगी करन लग पिया उस खुदाबंद करीम दी, ते कहिंदे कि शेर आया, जिहड़ा अगे शेर आ के उत्थे पहरा देण वाले नूं नुकसान पहुँचाउंदा सी ते ओ आके लख दत्त पीर जी दे कोल बह के उन्हां दे चरणां दे विच सिर रख के बह गया तो उन्हां दा पहरा देण लग पिया, ओ उन्हां दी राखी करन लग पिया। तो फिर उन्हां दे भरावां ने देखिया कि इन्हां नूं तां कोई नुकसान नहीं होया शेर दा। फिर उन्हां ने जदों लगान देण जाणा सी जो टैक्स के रूप दे विच वाशा नूं देण जाणे सीगे पैसे, तो उदों लख दत्त पीर जी नूं नाल लै गए। जदों नाल लै गए तो जदों तुरे जा रहे आ राजे ने अपने वजीर नूं पुछया कि ये जिहड़ा काफला आ रहा है इन्हां दे सिर दे उपर बदल दा साया क्यों है, इन्हां दे सिर उपर बदल क्यों ने। तो वो राजे दा जो वजीर सी कहण लगा वी इन्हां दे सिर ते बदल इस करके ने कि इन्हां दे विच इक बली है, अहमद पीर है, पीर सुल्तान ने है जिन्हां इन्हां दे विच, इस करके बदल इन्हां दे उपर ने। तो राजा कहिंदा देखां तां इह सच ही कोई बली है जां फिर उहदे मैनूं भुलेखा पै रहा है, क्योंकि जो बली होया करदे ने उन्हां दी पछाण वक्खरी हुंदी है ते जदों फिर कोई उन्हां दी परख लैंदा है ते फिर वह अल्लाह उन्हां दी परख जिहड़ी है वह पूरी करदा, झूठे नहीं कदी वी पैण दिंदा। ते उह जदों राजे ने देखिया कि इन्हां दी परख लवांगा वी सच्ची इह बली है जां नहीं, जो भी उन्हां दे भरा सन बाकी होर लोग सन नाल उन्हां सारिआं लई खाणा लिआंदा गया। तो कहिंदे कि लख दत्त पीर जी जदों खड़े सन कहिंदे कि सुल्तान पीर है इन्हां दे लई कोई स्पैशल कोई खास थाली लैके आवे, लैके आंदी जावे जिहदे विच इक वधिया किस्म दा खाणा होवे। कहिंदे कि जदों उह थाली लिआंदी ते बादशाह नूं अपने वजीर नूं पहलां कहा सी कि कुछ भी ना लैके आई, उत्ते सिर्फ थाली दे विच कौलियां रख के उत्ते कपड़ा दे दे। हुण थाली विच कौलियां सी उत्ते कपड़ा सी, उन्हें देखा कि जे ये सच अल्लाह दे वली होणगे ते अल्लाह इन्हां नूं कदी वी झूठे नहीं पैण देवेगा। ते जदों उह अल्लाह दे वली सच ही सीगे सब नूं पता सी, पर राजे दा भुलेखा सी, जदों थाली लैके आंदी थाली विच कौलियां जरूर सन, विच कौलियां दे विच कुछ भी है ना सी। जदों उस राजे ने सरकार जी दे अगे पेश कीता खाणा, कहिंदे लो सरकार जी खाणा खाओ, जदों कपड़ा चक्किया गया ते उह कौलियां एक सब्जियां दे नाल भरियां पईआं सन ते उह सब कुछ प्लेट दे विच सजिया सजाया, ते राजा हैरान हो गया ते उह सरकार जी दे चरणी पै गया कि इह सच ही इक बली ने। तो इह छोटा जिहा किस्सा आप जी नाल सांझा कीता, क्योंकि ये जो पीरां फकीरां दीआं बंदगियां ने इस बंदगी दे सदके ही वो मालिक सारे काज आप ही सवारी जांदा, वो मालिक सब कुछ आप ही करी जांदा। तो ये बंदगी करनी जरूरी है जिंदगी दे विच, अगर तुसीं किसे मुकाम ते पहुँचना चाहुंदे हो तो अपने पीर दी अपने मुर्शद दी बंदगी जरूरी है। सो आप जी दे नाल छोटा जिहा किस्सा सांझा कीता, जल्द हाजिर होवांगा नवें किस्से दे नाल, तद तक ले हक मुर्शद सच मुर्शद।